हेलो एंड वेलकम टू मेट मोटर हिंदी। मैं हूं आफ्ताब। ये है TVS लाइनअप का सबसे टॉप स्कूटर TVS जुपिटर ZX Smartix Connect। इस स्कूटर का मैं रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस स्कूटर में अपडेट क्या क्या हुआ है, ये स्कूटर कैसे TVS जुपिटर ZX जो स्टैंडर्ड मॉडल है उससे अलग है। तो अगर इसका आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ अपडेट के बारे में बात करेंगे, इसमें बदलाव क्या क्या हुआ है। तो अगर इसके हम प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इस स्कूटर का जो प्राइस है वो आपको एक शोरूम पड़ता है 85,000 का, यानी 85,000 का। और इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो है 1,04,000। ये ऑन रोड प्राइस जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग है। अपडेट की अगर बारे में बात करें तो इसमें आपको दो नए कलर को कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, मैट ब्लैक जो कि आपके सामने है आप देख सकते हैं, और जो सेकंड कलर है वो है कॉपर ब्रॉन्ज जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो अब अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डिजाइनिंग है इस स्कूटर का वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको Smartix Connect का स्टिकरिंग देखने को मिलता है। अब ये क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद से दोस्तों अगर आप इसके फ्रंट में नज़र डालेंगे तो जो डिस्क का साइज़ है, पहले भी इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक मिलता था लेकिन जो डिस्क का साइज़ है वो यहाँ पे कंपनी ने बड़ा कर दिया है। तो ये फर्स्ट अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है यहाँ पे आपको क्रोम में ये थोड़ा सा मटेरियल देखने को मिलता है जो कि इसके फ्रंट से लुक को इन्हेंस करता है। पहले भी इस गाड़ी में आपको डुअल टोन सीट मिलता था लेकिन ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं ये है पिलियन रेस्ट के लिए, जिससे कि पिलियन का जो बैक सपोर्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और कंफर्ट ये प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ये ZX Smartix Connect में कंपनी ने ऑफ़र किया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर ZX का जो स्टिकरिंग है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्रोम में ये कंपनी ने इस नए स्कूटर में ऐड किया है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे मेजर अपडेट है वो है इसका मीटर कंसोल में इसमें आपको मिलता है Smartix Connect का फीचर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स इस स्कूटर में आपको मिलता है। तो इसी वजह से ये स्कूटर जो है ये अपनी सेगमेंट में सबसे टॉप वन जाती है। इसके मीटर कंसोल में फ़ीचर्स क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर इस पर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है। यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। ये है टाइमिंग और ये है आपका ऑडोमीटर, ये है ट्रिप मीटर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हेलमेट रिमाइंडर है। और उसके अलावा दोस्तों नीचे की साइड में देखेंगे तो ये है आपका इंजन टेम्परेचर। यहाँ पे आपका मोड शो होता है कि आपकी स्कूटर किस मोड में चल रही है। ये है आपका लो फ्यूल इंडिकेटर। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इंडिकेटर और साइड स्टैंड का इंडिकेटर शो हो जाता है। अगर आपका स्टैंड डाउन रहता है तो वो फीचर्स यहाँ पे शो कर देता है कि आपका स्टैंड जो है वो डाउन है। इसके अलावा यहाँ पे दो मोड्स मिलता है, इको एंड पावर मोड। ये हजार्ड का इंडिकेटर है और ये है वॉइस असिस्ट का इंडिकेटर। इस स्कूटर में आपको वॉइस असिस्ट भी मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वॉइस असिस्ट का स्विच दिया हुआ है। जो बंदे इस स्कूटर को परचेज़ करेगा वही कनेक्ट करेगा और वही इस फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन चेक लाइट का इंडिकेटर। ये है आपका वॉइस असिस्टेंट का इंडिकेटर जो कि यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। और ये जो है ये आप ये देख रहे हैं ये है TVS Intelgo का इंडिकेटर। TVS Intelgo यहाँ पे आप फीचर्स दिया हुआ है। अगर आप सिग्नल पे आपकी गाड़ी आइडल इंजन आपकी आइडल पोजीशन पे चली जाती है तो ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाता है, तो उसका इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये आप देख रहे हैं Smartix Connect। इसके अलावा इसमें आपको एप्लीकेशन सपोर्ट भी मिलता है। आप TVS Connect ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और भी इसके सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक इसके लास्ट पार्किंग हिस्ट्री देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कॉल एंड मैसेज अलर्ट का जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे शो करता है। अगर आपको कोई कॉल करेगा तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे शो करता है। बाकी इसके अलावा इसमें बदलाव जो है वो कुछ नहीं किया गया है। जो स्कूटर जैसा था पहले वैसे ही इसको लॉन्च कर दिया गया है। बस इसमें नया कलर आपको देखने को मिल जाता है और नए फीचर्स देखने को मिल जाता है। इंजन जो है वो आपको बिल्कुल सेम है। अभी भी इस स्कूटर में आपको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 5 BSS कंप्लायंट इंजन देखने को मिलता है जो 7.8 PS ऑफ पावर एंड 8.8 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। तो इंजन सेम है। जो अपडेट था वो मैं आपको बता दिया। ये रहा कंप्लीट वीडियो इसी ऑल न्यू TVS ZX Smartix Connect के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए।